आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं सीए दिव्या अग्रवाल जी टैक्स विदाउट टीयर से। मैडम आपके यूट्यूब चैनल पर 1,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और एक से एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आती है। और मुझे कई बार मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी वीडियो से मैंने सीखा आपसे और आपका यूट्यूब चैनल देख देख के मैंने ग्रो करा। तो मेरा मन में हमेशा से ये था कि एक ना एक बार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाएं और अपने दर्शकों के जो हमारे सवाल होते हैं वो हम आपसे पूछें। तो मैडम आपका मैं अपने सब्सक्राइबर के भी आपसे केजे क्लासेस की टीम से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। थैंक यू कपिल जी, आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। आपके अपडेट्स मैं रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ, जितने क्विक बेसिस पे आप रिवर्ट्स देते हो और इतने अच्छे तरीके से आप ऑडियंस को बताते हो, डेफिनेटली वो काबिले तारीफ है। बहुत सारे ऑडियंस हैं जो इस चीज़ से एक्चुअल में अपनी प्रैक्टिस में हेल्प उनको कर रहा है कि कैसे जो नए सर्कुलर्स और ना केवल GST बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आप एक्सपर्ट्स को भी लेके आते हो, तो वो सभी चीज़ें यूजुअली ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। तो मैम को हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ये जितने भी मैडम रूल्स आ रहे हैं आपको ये चीज़ हमारे दर्शकों को बतानी होगी कि जब ये रूल्स आते हैं तो रूल्स की एक बैकिंग होती है सेक्शन से। जब तक सेक्शन में नहीं लिखा होगा तब तक आप रूल्स नहीं ला सकते। अगर आपको याद होगा तो रूल 36(4) आया था, उस पर भी बहुत हल्ला हुआ कि भाई इसका सेक्शन क्या है, इसका पेरेंटिंग सेक्शन क्या है। मतलब अगर हम बात करें, सेक्शन को हम बोलते हैं पिता और रूल्स को बोलते हैं बेटा, और जब पिता ही नहीं है तो बेटे पे क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन है वो तो बताओ। इसी तरीके से कुछ रूल्स अभी नोटिफाई किए गए, हमने अपनी मैगजीन में उसकी डिटेल दी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मन में है। जैसे कि एक रूल आया रूल 88C, जिसमें यह कहा गया कि भाई सप्लायर जो है, ठीक है, अगर अपने GSTR 1 में कुछ ज़्यादा अमाउंट डाल देता है, 3B में कम डाल देता है, तो एक DRC 01B फॉर्म है, उससे आपको एक तरीके से नोटिस आएगा डिस्क्रिपेंसी और आपको उसका रिप्लाई देना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसकी बैकिंग क्या है, इसका सेक्शन क्या है। कपिल जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करें ना, तो एक एक्ट आता है हमारे पास। एक्ट क्या होता है? एक बेयर एक्ट, जिसमें आपके सारे प्रोविजंस के बारे में लिखा होता है। जी जी। उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसको डिटेल आउट करते हैं, कई बार हम प्रोसीजर्स बताते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो वो हमारे रूल्स में आते हैं। जी। इसी वजह से अगर आपने देखा हो, रजिस्ट्रेशन GST में कंपलसरी है, ये चीज हमें GST एक्ट ने बताया, बट कैसे उसका प्रोसीजर है, कैसे वेरिफिकेशन होगा, क्या बैंक अकाउंट ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा है, ये सारी चीजें हमारी रूल्स में आती है। अब पहली बात तो करते हैं, जैसे आपने कहा रूल नंबर 36(4) में, सब रूल 4 में क्वेश्चन क्या आया था कि हम लोगों को मैचिंग करनी है 2A से। अब 2A बीइंग डायनामिक स्टेटमेंट, अब वहां पे सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अब लोगों को ये सवाल आता था कि 2A तो रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है, तो हम कैसे मैचिंग करें। फिर लेके आए 2B को, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि अब जब हम रूल्स तो लेके आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लर्नड प्रोफेशनल्स ऐसे बैठे हैं जो कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे, ऑनरेबल कोर्ट्स में उन चीजों को। और एक्चुअली उसी बेसिस पे बाद में लाया गया सेक्शन 16, सेक्शन 30, इस तरह के सेक्शंस में चेंजेस लाए गए। सेम वेज अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है, डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, बोगस ITC लिए जा रहे हैं, फेक इनवॉइसेस के कंसर्न आ रहे हैं। बेसिस दैट अब हम इनपुट को तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, सब रिसिपियंट को इनपुट लेने में हर तरह से परेशानी है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की भी बेसिक पॉलिसी क्या है कि अगर आप रिसिपियंट हो, आपके कोई सप्लायर हमें नॉन एग्जिस्टेंट मिल गए या कुछ भी सप्लायर में इशू हुआ, तो वो एक ही क्वेश्चन बोलते हैं, या तो मैडम आप हमें टाइम दीजिए, हम सप्लायर को लेंगे, खामखा आपका केस 2 साल खींच जाएगा, तो आपका जो भी मैटर अगर आपको रिजॉल्व करना, फटाफट से ITC रिवर्सल कीजिए, विद इंटरेस्ट कीजिए, बात खत्म हो जाएगी। तो अब सप्लायर को टाइट करने की भी नीड आ गई है, तो वो नीड से ये रूल 88C को तो लेके आ गए, और पहले भी एक सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 में भी ये लाया गया था कि आपने अगर अपनी कही हुई लायबिलिटी जो अपने GSTR 1 में डिक्लेयर करी है वो आपको 3B में पे करनी है, बट इन केस अगर आप पे नहीं करते हो तो रिकवरी मैकेनिज्म आप पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहीं पे भी अगर रूल लाया जाता है ना, तो उस पर्टिकुलर एनेक्टिंग सेक्शन में ना एज मे बी प्रिस्क्राइब वर्ड जरूर दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 2 जो है बेयर एक्ट का, वो भी हमें यही बात बोलता है कि अगर कहीं पे आपको प्रिस्क्राइब वर्ड मिलेगा तो यानी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रूल होगा।
अब इसका इंटेंट जो है 88C का, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये बोलता है कि अगर आपने 1 में कोई लायबिलिटी डिक्लेयर करी बट 3B में आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो हम आपको नोटिस दे देंगे जी DRC 01A में, ताकि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर ले, और हैंड टू हैंड या तो आपकी मिस्टेक होगी या आपने जान के 3B में कम पे किया होगा, मे बी बिकॉज पहले आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हो, या फिर पहले कोई इनवॉइस की वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा दी थी, अब उसको आपको अमेंड करके कम करना है, एंड सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे रीजंस उसमें बताए गए हैं, ठीक है। इस तरह के कंसर्न में रूल 88C को लाया तो गया, बट अब इसका सेक्शन अगर आप बात करो पेरेंट सेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो फिर से डाइसी हो जाता है। रीजन बींग सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 जो है वो कहीं ना इंटेंट वही बता रहा है, सब कुछ वही है, बट वहां पे कहीं रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं है, यानी एज मे बी प्रिस्क्राइब वर्ड नहीं है, तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं कभी गवर्नमेंट को, अब जैसे बजट सेशन आ रहा है, क्या पता वो लॉ में इस चीज को चेंज लेके आए कि भाई हम सेक्शन 75 में अमेंडमेंट ला रहे हैं, और एल्स कहीं और जो उनको लगता है कि ये पेरेंट सेक्शन बन सकता है इस पर्टिकुलर रूल का, वहां पे वो चेंज लेके आए। बट एक ये फ्लॉ मैं जरूर कहूंगी कि जो गवर्नमेंट में जब से GST आया है कि रूल्स तो आप पहले ले आते हैं, बट आप मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेरेंट सेक्शन है जिसके थ्रू वो गवर्न होना चाहिए, वो हमेशा लैक करता है। और क्यों हम हमेशा रेसिपिएंट के लिए परेशानी लाते हैं, तो वो चीज़ मैं चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एड्रेस हो। और ये इनपुट जो सीमलेस ITC का हमारे पास कॉन्सेप्ट था ना Day 1 से GST में, उसको एक्चुअल में सीमलेस किया जाए, ना कि उसको डिफिकल्ट और किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने हमें बताया। तो अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी रूल्स आए हैं, और अगर आपको उसमें कोई डाउट लग रहा है तो थोड़ा सब्र रखिए, 1 फरवरी को जब हमारा बजट आ जाएगा तो उस बजट के अंदर कुछ ना कुछ सेक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे कि जिससे कि आपको लगेगी हाँ ये रूल्स वैलिड है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि इसकी बैकिंग मैडम ने जो बताई सेक्शन 75-12 बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। इसी तरीके से जो मैडम जो दूसरा रूल है हमारा, एक रूल है रूल 37A जो इस बार नया आया है, इसके अंदर भी ये कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 75-12 तो हम समझ गए, 88C तो सप्लायर पे लग गया, लेकिन रिसीपिएंट पे एक रेस्ट्रिक्शन और लगा रहे हैं ये रूल 37A में। ये कह रहे हैं कि अगर सप्लायर ने सितंबर में जमा नहीं करा तो आपको नवंबर तक रिवर्स करना है। अब हो सकता है कल को सितंबर में सप्लायर ये कह दे कि मेरा मार्च का बिल है, मार्च 2023 का बिल है, मैं सितंबर में जमा नहीं कर रहा, क्योंकि एज पर सेक्शन 39(9) वो वाला टैक्स मैं जमा कर सकता हूं नवंबर तक। तो अब आप ये बताएं कि ये जो रूल 37A है क्या ये वॉयलेट नहीं कर रहा? क्या ये मतलब कि मैं अगर बात बोलूं कि मतलब कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये तो सेक्शन को ओवर रूल कर रहा है? 39(9) कहता है कि भाई आप कर सकते हो, सेक्शन 37(3) कहता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, तो जब नवंबर तक अमेंडमेंट का टाइम है तो आप हमें 37A से बाउंड कैसे कर सकते हो कि हम सितंबर में ये चीज़ करें? एक बार इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। पहले सर हम बात करते हैं रूल नंबर 37A। 37A कहता क्या है कि रिसिपिएंट को रिवर्सल करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। कब करना पड़ेगा? जब बेसिकली कुछ अपनी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। आप स्क्रीन पे रूल नंबर 37A देख सकते हो। इसमें सिंपल सी बात क्या कहता है कि अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं करी है ना आपके इनवॉइस की, माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने अगर सप्लायर को पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट को आगे फर्दर पे करना है, बिकॉज अगर उसने पे नहीं किया तो अगेन आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो पहला तो हमेशा से ही मैं ये बात बोलती आई हूँ कि आपको सप्लायर के केस में ये इंश्योर करना है कि आपका सप्लायर जेन्युइन है, फेक नहीं है, किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज़, वो टैक्स कंप्लायंट है, वो टाइमली अपने रिटर्न्स भर रहा है। और इन केस अगर कहीं पे भी इशू होता है ना, तो GST पोर्टल पे ना हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन द टैक्स पेयर्स का टैब होता है। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट के साथ आपको ये इश्यू आता है कि बाद में आप पे नोटिस आ जाता है, कुछ भी आता है, तो एक कहीं ना कहीं एक प्रूफ आपके पास होगा कि भाई मैंने आपके पोर्टल के थ्रू ही कम्युनिकेट किया सप्लायर को कि आपका सो एंड सो इनवॉइस है, इसने आपने 1 में भर दिया है कि भाई 1 में डाला है, नहीं डाला है, कम वैल्यू पे डाला है, यानी कोई वैल्यू अगर ठीक नहीं है तो अकॉर्डिंगली आप पहले तो उसके थ्रू वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरी चीज, अब ये मेरे पास बहुत बड़ी सवाल आया है कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है, क्योंकि आप 3B तो नहीं चेक कर सकते, ना ही आप 3B में इंडिविजुअली बिल वाइज आप चेकिंग कर सकते हो कि आपके पेमेंट हो रखी है नहीं हो रखी है। तो इस पर्पस के लिए आई थिंक सो कि जो अभी हमने डिस्कस किया रूल 88C वो लाया गया, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो सप्लायर GSTR 1 में अपने इनवॉइसेस डाल रहा है अकॉर्डिंगली उनकी टैक्स की भी पेमेंट करे।
और अगर नहीं करता तो हैंड टू हैंड ही उसको नोटिस आ जाए DRC 01A में, ताकि वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाए और रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक ना हो। अब कपिल जी, जो आपने सवाल किया है कि हमें 180 दिन में ही क्यों रिवर्स करना है, यानी सितंबर एंड तक ही क्यों हमें रिवर्स करना है, तो वहां पे कंसर्न क्या आती है? डेफिनेटली जब हमें नॉर्मली लॉ ने टाइम लिमिट अब इंक्रीज कर दी है कि हमें सितंबर की रिटर्न नहीं, हम 30th नवंबर की एक डेडलाइन उन्होंने फिक्स कर दी है, वहां तक हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की करेक्शन ईजिली कर सकते हैं, हम अपना इनपुट अवेल कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लाई गई है? क्या ये कहीं ना कहीं हमारे अगेन जो सेक्शंस है बेयर एक्ट को उसको वॉयलेट तो नहीं करता? तो एज यूजुअल मैं एक ही बात बोलूंगी, गवर्नमेंट हमेशा हमारी बहुत हरी में रहती है, बहुत रश में रहती है, वो ये तो समझती है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम का फटाफट रूल भी निकाल देती है, बट वो ये भूल जाती है कि वो रूल लीगली वैलिड कब होगा, जब तक मेरा सेक्शन ही नहीं है तब तक मैं उस रूल को ला ही नहीं सकती हूँ, या वो मेरे लिए वो वैलिड ही नहीं है, वो एनैक्ट ही नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर से यही उम्मीद है कि ऑल दो GST में रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते रहते हैं, तो अभी भी जैसे लास्ट ईयर भी बजट के थ्रू भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए, तो सेम वेज क्या पता अब इन सेक्शंस में भी कुछ सेक्शंस में ऐसे चेंज लाए जाएंगे, जो ये 48 काउंसिल मीटिंग के बाद चेंजेस आए गए हैं ना रूल्स में, या और बहुत सारे सर्कुलर्स निकाले गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या पता इन एक्ट्स के अंदर भी चेंज लाया जाए, इन रेलेवेंट सेक्शंस में भी चेंज लाया जाए, ताकि ये फर्दर कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट के पास जाके उनका टाइम वेस्ट ना करे और अननेसेसरी इन पे जजमेंट्स और ना पास। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर मैम का भी यही कंक्लूजन है कि यहाँ पर जो इसके रेलेवेंट सेक्शन है 39(9) या 37(3) उसमें भी कुछ आ सकता है बजट में, हमें उम्मीद है। एक मैडम तीसरा इशू हो रहा है इसमें, इसमें जो ये सेक्शन है ठीक है 41(2), इसके अकॉर्डिंग रूल 37A लाया गया, लेकिन जो सेक्शन 41(2) आया ये मैडम इफेक्टिव हुआ 1 अक्टूबर 2022 से, राइट? तो 1 अक्टूबर 2022 से तो हम ये कह सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि भाई अगर आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा है तो देन आपको रिवर्सल करना है। मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2017 से और 30 सितंबर 2022 तक, इन 5 सालों में अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है ना, अगर मेरा सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है तो गवर्नमेंट मुझे कहती है कि भाई ITC रिवर्सल कर दो, जबकि वो मैं चेक नहीं कर सकता। सेम कंडीशन सेक्शन 16(2)(c) में लिखी हुई है कि भाई ITC तभी मिलेगा, लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं हम कहते हैं कि भाई साहब हम ये चेक ही नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि जो 41(2) रेड विद रूल 37A है, ये 1 अक्टूबर के बाद से तो गवर्नमेंट की मदद कर देगा, गवर्नमेंट दिखा देगी कि भाई हमारे को लॉ में लिखा हुआ है कि रिवर्सल करना, इसलिए हम रिवर्सल करा रहे हैं। लेकिन मैं इसकी बैक की पोजिशन जानना चाहता हूँ कि जो 17, 18, 19, 20, 21 के नोटिसेज हैं जिसमें हमेशा असेसिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि भाई सप्लायर ने टैक्स पे नहीं करा तुम रिवर्सल करो, 16(2)(c) को लेकर अड़ा हुआ है, तो क्या हम ये गवर्नमेंट का जो हथियार है क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही यूज नहीं कर सकता कि भाई 41(2) आप कब से इफेक्टिव कर रहे हो? 1 अक्टूबर से कर रहे हो, तो प्रीवियस सालों में जो प्रीवियस ईयर्स हैं तो आप मेरे SSC को परेशान नहीं कर सकते कि अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, क्योंकि मैं उसे चेक कर ही नहीं सकता था। इसके बारे में थोड़ा सा कपिल जी, इसके रिगार्ड में ना मैं आपसे पहले तो एक सर्कुलर की बात करूंगी। रिसेंट में ना एक 2A और 3B के मिसमैच को लेकर सर्कुलर आया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 and 18-19, क्योंकि आजकल क्या हो रहा था, बहुत सारे नोटिसेज आ रहे थे, इनफैक्ट मेरे ही कई क्लाइंट्स को आ चुके थे। क्या आया था कि भाई आपने 2017-18 जब GST आया है तब 2A की मैचिंग नहीं हो रखी है, सेम वेज 18-19 में नहीं हो रखी। भाई जब आप उस टाइम पे 2A का जो प्रॉपर मैकेनिज्म था वही इम्प्लीमेंट नहीं करा, आपने 2A ही हमें टाइमली अवेल नहीं कराई है, तो हम उसको मैच कैसे कर सकते थे? एज सिंपल एज दैट। उस टाइम कई बारी सप्लायर ने लेट भी अपने रिटर्न्स फाइल करी है, कहीं पे भी ये चीज सिचुएशन नहीं आई थी। रादर 9th अक्टूबर 2019 से एक्चुअल में रूल 36 सब रूल 4 आया था जो हमें मैचिंग करने को कहता था और हमें 20% की लिवरेज देता था, जो धीरे धीरे कट डाउन करके अब 0% पे हो गई, यानी कंप्लीट आपको मैच करना पड़ेगा। सेम वेज अब आज जाके उसका सर्कुलर निकला है, लेकिन और आज सोल्यूशन आया है नहीं, लेकिन मैं इसमें एक बात आपको रोकता हूँ, मुझे तो सर्कुलर भी अल्ट्रा वायलेंस लगता है, क्योंकि अगर आपको याद हो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने बोला है कि भाई ये जो 2A है ठीक है ना, आई थिंक भारती एयरटेल का केस का है वो, उन्होंने बोला है कि भाई 2A तो कुछ है ही नहीं,
आपको 2A तो देखना ही नहीं था, बिल्कुल 2A तो एक फैसिलेशन है, तो आप 2A क्यों देख रहे थे अपना ITC लेने के लिए? उसमें भारतीय एयरटेल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अब जब ये सर्कुलर में कह रहे हैं कि 2A वर्सेस 3B के हम डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो मेरे को तो कई बार इस सर्कुलर पे ही क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये वायलेशन कर रहे हैं। कपिल जी, ऐसे केसेस में ना मैं सिर्फ एक ओपिनियन रखती हूँ कि देखिए, अगर आपके स्टेक्स बहुत हाई है ना, तो उस केस में आपको ये लिटिगेशन और मैटर्स में जाना चाहिए। जहाँ आपके अमाउंट्स इन्वॉल्व बहुत कम है ना, हमें अननेसेसरी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज डिपार्टमेंट अपनी धारा से ही चलता है, डिपार्टमेंट इतना लीगल बैकिंग में नहीं जाता है अनलेस कि कोई ऑफिसर स्पेसिफिकली इन चीज़ों को पढ़े। तो हम लोग ये कोशिश, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका केस सॉल्व होना चाहिए और आपके, जिससे ना आपको परेशानी हो और डिपार्टमेंट भी रेगुलर बेसिस पे काम कर आपका, तो इस मैकेनिज्म में हम लोग को ऑप्ट करना चाहिए। अब जो ये कंसर्न आती कि 1 जुलाई 2017 से लेके हम 30 सितंबर तक की अगर हम बात करें, ऐसे केसेस में अगर रेसिपिएंट और सप्लायर का कुछ भी इशू रहता है, तो देखिए पहली चीज आपको नो डाउट GSTR, अब आपका 17-18 और 18-19 के केस में तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर आप ले सकते हो पिक्चर में, बट अगर आपका कोई कंसर्न ऐसा आता है उसके बाद का, तो भाई आपको GSTR 1 के थ्रू जो आपके 2A 2B में अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी आप उसको आगे ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो। बट अगर वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फिर आपको रिवर्सल करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। बिकॉज डिपार्टमेंट हमेशा ये चीज़ कहता है, या तो आप हमें टाइम दीजिए, हम सप्लायर की पूरी बैक चेन खोलेंगे, चेन खोलने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, वो फ्रॉडलेंट हुआ तो बात अलग है, अकॉर्डिंगली रिवर्सल करना पड़ेगा। इन केस अगर वो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम सप्लायर से रिकवरी कर लेंगे। बट आप ही अपनी लाइफ को ईज आउट करने के लिए, हासिल फ्री करने के लिए ये चाहते हो कि भाई हमारे ये टैक्स केसेस कम से कम रहे, तो हम लोग एक बेसिक ओपिनियन ये रखते हैं कि हम ITC को रिवर्सल कर ले और विद इंटरेस्ट कर ले। तो अगर आपका मैचिंग हो जाता है ना आपके बेसिकली 3B की 2A 2B से, तो आई थिंक वहां पे ये रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो हमारा सेक्शन 41(2) आया है, अगर आप इसके 1 अक्टूबर से पुराने की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप ये चीज़ ले सकते हैं अपने नोटिस के रिप्लाई में, अगर आपको कोई नोटिसेज आ रहे हैं कि सर इससे पहले तो कोई मैकेनिज्म था ही नहीं, तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपके 2A में नहीं आया, तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, ठीक है, भारतीय एयरटेल के केस में, उसे कोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई 2A कोई ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं कि जो ये प्रूव करता है कि आपको तभी ITC मिलेगा। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का जो चैनल है टैक्स विदाउट टीयर्स, आपने वैसे सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन अगर नहीं करा है तो उसे भी सब्सक्राइब करके, मैडम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैडम, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है क्या आपको? बस मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगी कपिल जी, कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप सप्लायर जो सिलेक्ट करें उसके लिए बहुत केयरफुल रहें, अपने कंप्लायंसेस बहुत टाइमली और एक्यूरेट रखें। सिर्फ ये ना सोचे कि कोई एक रिटर्न है GSTR 1 की, तो कोई लेट फीस नहीं है, उसको हम आराम से भरेंगे, क्योंकि ये हम लोगों में सब में इसकी 3B की लेट फीस है, चलो इसको तो टाइमली भरना है, 1 की कोई लेट फीस नहीं है, इसको तो आराम से भर देंगे। तो जी 1 है चाहे 3B है, सबको आपको टाइमली भरना है, सप्लायर आपको चेक करना है, इंश्योर करना है कि वो सही है, उसी के साथ डील करें, बिकॉज एक भी फॉल्ट अगर आपके सप्लायर ने कर दी ना, वो आपके ऊपर ही, आपके इनपुट पे ही आपको भारी पड़ेगी। एंड वंस योर बेस एट सोर्स ही अगर आपका प्रोडक्ट ठीक होगी, आपकी अकाउंटिंग ठीक होएगी, ठीक है, और आपकी रिटर्न्स ठीक होंगी, तो डेफिनेटली आप पे नोटिसेस आने के चांसेस भी कम होंगे, और अगर आते हैं तो आप जस्टिफाई भी उसको बहुत इजीली करा पाओगे। और साथ ही मैं लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी, जैसा कि सर हमेशा अपने चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स लाते हैं, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन लाते हैं जो एक्चुअल में कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का क्या रिवॉर्ड बन सकता है, तो वो सारे रिवॉर्ड्स जो हैं आपको सारे ईजिली यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि all of your queries and concerns, they are answered in very easy language and I think very timely also. और मैगजीन में भी हम ये सारा चीज कवर कर देते हैं, और अभी हमारी और किताबें भी आ रही है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे, और मैडम हम आपको दोबारा परेशान करेंगे किसी वेबिनार सेमिनार के थ्रू, आपको लेकर आएंगे और ऐसे ही वीडियो में लाते रहेंगे। तो कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैडम मैं आपका फिर से KJ क्लासेस की तरफ से धन्यवाद करता हूँ हमारे YouTube पर आने के लिए। थैंक यू जी।